सिवनी मालवा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को हिंदू नववर्ष मनाया। नगर के स्थानीय जयस्तंभ चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू नववर्ष के अवसर पर भगवान राम की पूजा अर्चन कर सभी को तिलक लगा नीम गुड़ का वितरण किया गया। वही बीप कार्यकर्ताओं के द्वारा मीठा पेय शरबत का भी वितरण राहगीरों को किया गया एवं आने जाने वाले लोगों को तिलक लगाया गया। विश्व हिंदू परिषद के श्री राठौर ने बताया कि प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर भगवान राम की पूजा अर्चन के पश्चात सभी को तिलक लगा शरबत पिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन अयोध्या के राजा राम का राज्याभिषेक हुआ था एवं कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने हिंदू पंचांग के आधार पर भारतीय कैलेंडर बनाई थी। कैलेंडर की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मानी जाती है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई। इसको शुरू करने वाले सम्राट विक्रमादित्य थे, इसलिए उनके नाम पर ही इस संवत का नाम है। इस अवसर पर शिव राठौर, सनुप यदुवंशी सहित विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज चैत्र नवरात्र वही हिंदू नव संवत 2080 जो कि प्रारंभ है। विश्व हिंदू परिषद प्रति वर्ष सनातन का यह नववर्ष हर्षोल्लास पूर्वक मनाता आया है। आज भी नगर समिति द्वारा स्थानीय जयस्तंभ चौक पर नीम की पत्ती देकर तिलक लगाकर और ठंडा मीठा शरबत पिलाकर सबको बधाई शुभकामना और संदेश देने का यह कार्यक्रम निरंतर आज दिन भर चलेगा। समस्त क्षेत्रवासियों को विश्व हिंदू परिषद की ओर से नव संवत्सर 2080 की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। We'll be right back.